उत्तर प्रदेश के सीएम ने ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए हर घर जल हर घर नल योजना शुरू की है, लेकिन बुंदेलखंड आज भी बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। जहां सरकार अपने 4 साल हो जाने के बाद योजनाओं को गिनाने में लगी है, वहीं बुंदेलखंड को देखा जाए तो वहां के लोग आज भी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। बता दें कि झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत कई गांव ऐसे हैं जहां ग्रामीण पीने के पानी के लिए आज भी तरस रहे हैं। इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची। वहीं मऊरानीपुर के हरपुरा में हालात आज भी बद से बदतर हैं। हरपुरा के ग्रामीण सुबह से पानी के लिए जुगत लगा जाते हैं। बड़े बूढ़ों से लेकर महिलाएं और बच्चे भी अपने सिर पर पानी के बर्तन लेकर लंबी दूरी तय कर रही हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि वो लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन किसी ने ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। अधिकारियों को जरा भी ग्रामीणों की जिंदगी की परवाह नहीं है। पानी की समस्या तो बहुत गड़बड़ है, कम से कम 6 माह से। 6 महीना से? हाँ। अच्छा, जब गर्मी में हो समस्या है? 12 महीना है। 12 महीना है। 12 महीना है। इसके बारे में कोनू अधिकारी ने या गांव कोनू जनप्रतिनिधि ने मदद करी के नहीं करी? कबू कोई ने मदद नहीं करी, कबू नहीं कोई। अच्छा, अब जैसे जो चुनाव चल रहा हो तो चुनाव में कब वादे करे जा रहे आदमी द्वारा? अब वादे तो भी कि हम ऐसा का वादे होने नहीं कहता हूँ कुछ। फिर आप कैसे आपको कैसे करने? अब भैया हम का बता दें कि ये बना देवे, देखो अच्छा खाए हुए बनाए। हम पानी के लिए तो बड़ी देखे बैठी। अच्छा, हैंडपम्प सही नहीं है थे? अब सही कितने हैं? सही होते तो कहाँ बैठे हुए थे? कब से पानी की समस्या कब से हो? पानी की तो बात बढ़ाने से पानी है नहीं। अच्छा, इतने के सरकार जो जो क्षेत्रीय विधायक हैं सांसद हैं लोगों द्वारा कोनो मदद करी गई? कहाँ पता है नहीं, काका ही होती तो पानी न होते। जहाँ एक और योगी सरकार पानी की समस्या को लेकर गंभीर है और तमाम तरह की योजनाएं चलाती है, लेकिन आप हम आपको बताएं कि आज हम झांसी जिला के ग्राम हरपुरा में हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग बाग हैं कितने परेशान हैं पानी की समस्या को लेकर। और यहाँ यह गंभीर स्थिति करीब 5 साल से है और 5 साल से इनकी कोई सुनवाई नहीं है। अभी चुनाव का समय है तो कुछ गांव के ही जो चुनाव उम्मीदवार हैं उनके लोग बागों ने बताया है कि उनके जरिए से ये पाइपलाइन कुछ समय के लिए डाली गई है। इसके अलावा हमें हर साल इसी परेशानी से गुजरना पड़ता है। राजीव दीक्षित, साधना के लिए।